ऑल राइट गाइस, सो दिस इज उज्ज्वल कुमार सेन और आप देख रहे हैं उज्ज्वल कुमार सेन यूट्यूब चैनल। बहुत दिन से बोला नहीं था, लेकिन चलो टॉपिक पर आते हैं। एमटेक के बाद आपका सैलरी कितना होगा, चाहे आप आईआईटी से कर रहे हैं, चाहे आप एनआईटी से कर रहे हैं, चाहे सिंपल कॉलेज से कर रहे हैं, चाहे आप विदाउट गेट कर रहे हैं, मैं हर केसेस की बात कर रहा हूँ। आईआईटी की बात करते हैं पहले। देखो आईआईटी में अगर प्लेसमेंट की बात करूँ, सारे आईआईटीज़ में अच्छे प्लेसमेंट नहीं है एज़ पर माई एनालिसिस। जो टॉप के आईआईटीज़ हैं, जो पुराने आईआईटीज़ हैं, उनमें प्लेसमेंट है, उनमें जा सकते हैं आप। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, हर ब्रांच का सेम प्लेसमेंट नहीं है। अगर प्लेसमेंट की बात करूँ, सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट किसको मिल रहा है, बेसिकली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को सबसे ज़्यादा मिलता है आपका प्लेसमेंट, आईआईटीज़ में बोलो एनआईटीज़ में बोलो। उसके बाद स्पेशलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से अगर नौकरी लगता है। मैं एवरेज सैलरी जो निकाला हूँ, जो उसमें क्या लिया, कंसिडरेशन क्या किया गया है, कि आपका कितना मैक्सिमम पैकेज गया, कितना मिनिमम पैकेज गया है, इसमें ये नहीं कंसिडर किया कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, दैट इज़ डिफरेंट मैटर। तो एवरेज मैं निकाला, कंप्यूटर साइंस का मैक्सिमम गया एवरेज, लगभग लगा लो 12 लाख के आसपास एवरेज है। अगर मैकेनिकल लो, सिविल लो, तो इनके 6 लाख 7 लाख का एवरेज है, इनके पैकेज है। मैक्सिमम पैकेज बोलोगे तो बहुत जगह पर देखा एमटेक वालों को 25 लाख 30 लाख 40 30 लाख के आसपास का, मेरे को पता है। और मेरा इवन फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है जो इंडिया में डोमेस्टिक प्लेसमेंट मिला है, उसका स्टार्टिंग पैकेज 25 लाख लगा था, लेकिन वो कंप्यूटर साइंस से था और वो आईआईटी से था, आईआईटी दिल्ली से। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, सिर्फ पैकेज जानना नहीं। अब आते हैं एनआईटी। देखो आईआईटी से जो करते हैं, कंपनीज़ का मोस्ट प्रेफरेंस होता है कि अगर कंपनी में प्लेस चाहिए, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ मैं, राइट, तो वो प्रेफर करते हैं कि आईआईटी से हम उठाएँ। अगर 7 लाख 8 लाख का पैकेज दे रहे हैं तो आईआईटी से प्रेफर करते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि इसमें आपका एनआईटी, एनआईटी में कंपनीज जाते हैं, डेफिनेटली जाते हैं, लेकिन एनआईटी में कंपेरेटिवली बहुत कम प्लेसमेंट है आईआईटी कंपेरिजन में। कुछ एनआईटीज़ में है, लेकिन वो भी गिने चुने ब्रांचेज में। अब मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन आपका लाइफ है, आपको खुद चूज़ करना है कि मुझे सही में जाना है या नहीं जाना है। मैं बहुत सारे को जानता हूँ जो एनआईटी से एमटेक करते हैं, इवन आईआईटी से भी करते हैं, वो दे आर स्टिल सर्चिंग फॉर जॉब, आई नो दैट। और आप में से बहुत सारे ने मुझे कॉन्टैक्ट भी किया कि सर आई डिड एमटेक फ्रॉम दिस आईआईटी, दिस एनआईटी, नाउ आई एम सर्चिंग फॉर द जॉब। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं फ्रस्ट्रेशन में आए हैं कि सर अब क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, राइट, सच्चाई है। और मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज देयर प्राइवेसी, राइट, बट ऐसे होते हैं बहुत सारे। तो उनको मेरे तरफ से जो मैं हेल्प करता हूँ, उनको हेल्प करता हूँ, लेकिन चलो वो मैटर नहीं। अब आते हैं नीचे, मतलब विदाउट गेट। गेट क्या बेसिकली क्या क्या करते हैं, आईआईटी में जाना है, पीएससी में जाना है, एनआईटी में जाना है, और स्टाइपेंड मिलेगा आपको पीएससी में जाने हैं ऐसे। लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, छोटे मोटे कॉलेज में, उनके उनके घर के पास, मान लो घर में रह के पढ़ाई करना है, तो क्या करते हैं वो नॉन गेट या गेट के थ्रू से एडमिशन लेते हैं। तो दोनों कैटेगरी में कंसिडर करता हूँ, सेम कैटेगरी में। अब देखो मान लो आप नॉन गेट हो या गेट हो, जो भी कैटेगरी आप जिसको भी ले रहे हो, राइट, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है आपको करना है गाइस, दैट इज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, आपको जब एडमिशन लेते हो तो आपको चूज़ करना है कि आपको करना क्या है बेसिकली, मतलब क्या है आपको आगे क्या करना है। फर्स्ट ईयर में ही पता कर लो, अगर बोलोगे देखेंगे 2 साल तो कुछ नहीं होना है। अब यहाँ पर एवरेज पैकेज की बात करूँगा गाइस, एनआईटी से भी मैक्सिमम, और ये सिंपल कॉलेज से क्या होता है, टीचिंग लाइन में जाते हैं मैक्सिमम। जो इंडस्ट्री में जाते हैं उनका या तो कॉन्टैक्ट होता है या फिर वो कॉन्टैक्ट बना के जाते हैं, ऐसे प्लेसमेंट रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर है, इसको आप समझें। तो जब भी आप एडमिशन लेते हो फर्स्ट ईयर में, तो पहले डिसाइड करो आपको करना क्या आगे जाके, राइट, तभी एडमिशन लेना, नहीं तो मत लेना, राइट। तो आप अगर टीचिंग में आपको इंटरेस्ट ही है तो टीचिंग फील्ड, देखो मैं बनता हूँ टीचिंग फील्ड बहुत अच्छा फील्ड है, लेकिन टीचिंग फील्ड में बहुत टाइम लगता है अपना एक मार्केट बनाने के लिए, मार्केट ही बोलूँगा इसको, अपना नाम कमाने के लिए बहुत टाइम लगता है, राइट, बिकॉज आई बिलोंग टू दिस फील्ड और मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं जब स्टार्ट किया था मुझे 200 रुपीज़ पर आवर मिलता था, अब मेरे पास लगभग 5 to 6,000 रुपीज़ पर आवर का ऑफ़र है अभी भी, और ये तो पढ़ाने का है, बाकी चीज़ में और ज़्यादा है, राइट। तो ये चीज़ें हैं, अब ये तभी आता है, मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ और अभी भी मैं, चाहे मैं घर में हूँ, बाहर हूँ, चाहे ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैं अभी भी कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ मेरे फील्ड से रिलेटेड। और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं, ताकि देखो डेफिनेटली वीडियो से मुझे पैसे मिलते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। और आगे मैं और कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ, ताकि आप वीडियो देखे, मेरे वीडियोज़ देखकर वो पैसे भी आपको मिले कुछ ना कुछ, बट पैसे कुछ मिलना
वो आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ आपका लाइफ चेंज हो। तो आपका कोई टॉपिक है, आपको कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू टू हेल्प यू, राइट? सो गाइज, आई होप यू गॉट सम रियल इनसाइड इन्फॉर्मेशन। कोई टॉपिक है जिसमें वीडियो बनाना चाहते हो, छोटे वीडियो 5-6 मिनट का, मैं पहले लेंदी वीडियो बनाता था लेकिन अब छोटा वीडियो कर दिया ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले कम टाइम में। सो गाइज, बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय। और एक, हाँ चलो कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।